नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा अनुपूरक पोषाहार योजना अंतर्गत नवीन व्यवस्था के अनुसार लाभार्थियों को पुष्टाहार ड्राइव राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्राथमिक विद्यालय बयपुर देवगली में जिलाधिकारी एमपी सिंह ने किया। इस योजना के अंतर्गत बाल विकास एवं आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से गर्भवती धात्री, दूध पिलाने वाली माताओं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे जो केंद्र पर मानक के रूप में पंजीकृत हैं, उनको तथा किशोरी बालिकाएं जो 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली एवं अति कुपोषित बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित गेहूं, चावल तथा दाल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उपायुक्त मनरेगा आजीविका मिशन दिलीप कुमार सोनकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे, खंड विकास अधिकारी सदर मनोज कुमार वर्मा के साथ ही जिला मिशन प्रबंधक आजीविका मिशन अनिल चौरसिया, ग्राम प्रधान निर्मला देवी एवं लाभार्थी तथा स्वयं सहायता समूह व ग्रामीण उपस्थित रहे। समर्पण संस्था के तत्वावधान में राजेश्वरी विकलांग विद्यालय एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शास्त्री नगर के दिव्यांग छात्रों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं का मेला दीपावली के अवसर पर विकास भवन परिसर में लगाया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर और मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने 100 दीपक एवं फ्लावर पॉट की खरीदारी भी की। कहा कि समर्पण संस्था ने वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत जो मेले का आयोजन किया है वो काफी सराहनीय है। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा, समर्पण संस्था की संचालिका सविता सिंह, पूर्व विधायक अनिल अमिताभ दुबे, लक्ष्मी वर्मा आदि बच्चे मौजूद थे। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विभिन्न सवालों को लेकर मंगलवार को जखनिया तहसील व ब्लॉक भुड़खुड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में धरना दिया। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव राम प्यारे राम ने कहा कि गरीबों को 2 जून का राशन खरीद कर पेट भरना पड़ रहा है, जिनकी लॉकडाउन ने रोजी रोटी छीन ली है। इस महंगाई में सब्जी दाल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, नून भात खाकर झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली विभाग ने किसी के घर 20,000 तो किसी के घर 25,000 का बढ़ा हुआ बिल भेज दिया है तथा जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। धरने को अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के जिला कार्यकारिणी सदस्य उजागीर राम, गुलाब सिंह, लाल बहादुर, राम वृक्ष मौर्य, बिलचू बरवासी ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई देवकली द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इस मौके पर वाराणसी मंडल के अध्यक्ष राजेश सिंह यादव ने कहा, पहाड़पुर कला ग्राम में सफाई कर्मी हीरामणि कश्यप, शांति देवी, अनवर खान, दिनेश राम को सफाई कार्य करते समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा मारपीट किए जाने पर करंडा थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई। जब तक सफाई कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। समर्थन करते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जय प्रकाश पाल ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर पुष्पा देवी, शांति देवी, रेखा, ओम प्रकाश, रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप यादव, आलोक, हीरामणि, शैलेश, ग्राम पंचायत अधिकारी डीपी शास्त्री आदि मौजूद थे। अध्यक्षता सच्चिदानंद व संचालन मनोज चौबे ने किया। रोशनी के पर्व दीपावली की रौनक दिखाई देने लगी है। परंपरा के अनुसार लोगों ने घरों के साथ ही प्रतिष्ठानों की साफ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली का बाजार सज गया है। बर्तन से लेकर सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के साथ ही चार पहिया वाहनों के दुकानदार धनतेरस के लिए सज गए हैं। इन दुकानों पर लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम भी उपलब्ध कराई गई है। नगर के मिश्र बाजार, महुआ बाग, लाल दरवाजा, कचहरी स्टेशन, गोरा बाजार, सकलेनाबाद, चीतनाथ, नवाबगंज सहित अन्य मोहल्लों में बिजली की झालर, दिया, मोमबत्ती, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ पर्व पर घरों और दुकानों में सजाए जाने वाली सामग्री की स्थायी और अस्थायी दुकानें सज गई हैं। 20 से लेकर 1,000 तक गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा उपलब्ध कराई गई है। इन दुकानों पर खरीदारों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक बाजार में खरीदारी की वह रौनक नहीं दिखाई दे रही है जो दिखनी चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे पर्व नजदीक आएगा वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ेगी, धनतेरस पर खरीदारी की धूम भी मचेगी। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।